लेकिन भगवान ने आपको चुना है, आप श्रेष्ठ हैं, आप वीआईपी हैं। क्योंकि एक ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन में दो प्रकार के डिब्बे होते हैं, दो तीन प्रकार के डिब्बे। एक होता है फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, एक होता है जनरल डिब्बा। 72 सीटें होती हैं सभी डिब्बों में, लेकिन जो जनरल डिब्बा होता है उसमें चाहे 72 सीटें होती है, चाहे तुम उसमें 150 घुस जाओ, चाहे बैग रखने के लिए जगह ना, उसका टिकट सस्ता होता है, उसमें सीट भी मिले या ना मिले, बस आप घुस जाओ। टिकट सस्ता पाया है आपने भैया, तो आपको खड़े होके भी जाना पड़ सकता है। लेकिन जो रिजर्वेशन होता है, 72 सीटें हैं तो 72 ही लोग होंगे उसमें, पहले से ही रिजर्वेशन कराना होता है। जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो लिस्ट देखी जाती है, फिर अंदर घुसते हैं। 72 से 73वां यदि है तो समझ लेना वो अवैध है, वो छल करके घुसा है और टीटी धक्का मार के बाहर निकाल देगा। तो और जनरल डिब्बे में एरा गेरा नथु गेरा कोई भी घुस जाए। तो माताओं, आप ये जो स्थान है ये भी वही वीआईपी डिब्बा है, एसी वाला, जिसमें भगवान ने जिसको रिजर्वेशन दिया है बस वही प्रवेश कर सकता है। एरा गेरा नथु गेरा इस डिब्बे में प्रवेश नहीं कर सकता कि अरे कोई अपना झोला तांबड़ा उठाया और आ गया भागवत के पंडाल में। आप लोग वो वीआईपी लोग चुने हुए हैं जिसको भगवान ने स्वयं बुलाया है। आपने समझा है कि नहीं, हमारे घर के काम से बहुत अधिक महिमा भगवान की कथा की है। ऐसा अवसर बार बार जीवन में प्राप्त नहीं होता। कथा चलकर हमारे गांव में आई है, तो क्या हम कथा तक चलकर नहीं जा सकते? कथा चलकर हमारे पास आई है, भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुँह से निकली, वहाँ से ब्रह्मा जी के पास गई कथा, ब्रह्मा जी से नारद जी के पास गई, नारद जी से वेदव्यास जी के पास गई, वेदव्यास जी से श्री सुखदेव जी के पास गई। सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को सुनाई तो कई ऋषियों ने सुनी, उन ऋषियों ने अपने शिष्यों को सुनाई, उनके शिष्यों ने हमको सुनाई और हमने आपको सुनाई। कितनी दूर से, कितनी लंबी दूरी तय करके कथा आप तक पहुंची है, और फिर भी चार कदम चलकर यदि हम कथा तक ना पहुंचे, शास्त्र कहता है ऐसे व्यक्ति ने मानो अपने जीते जी आत्महत्या कर ली। ऐसे व्यक्ति का जन्म सिर्फ अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए हुआ है। प्रसव की जो वेदना होती है ना, उसने सिर्फ पैदा इसलिए हुआ है कि अपनी माता का सौंदर्य भी खोया, माता को कष्ट भी दिया पैदा होने में। और को अर्थः पुत्र जाते न यो न विद्वान न धार्मिकः, ऐसे पुत्र जनने से क्या लाभ जो न तो विद्वान निकला न धार्मिक निकला। प्रेम से कही श्यादे। तो आप सभी के भाग्य की सराहना तो आज देवता भी करने में असमर्थ हैं। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ, किसके साथ? रुक्मिणी के साथ। और श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री शुकुवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागृद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी से जो पहली संतान हुई, नाम है प्रद्युम्न जी महाराज। और परीक्षित, ये प्रद्युम्न वही हैं जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से कामदेव के रूप में भस्म हो गए थे। भगवान शंकर की तपस्या भंग करना चाहता था कामदेव, भस्म हो गया। उनकी पत्नी रति भगवान शंकर से गिड़गिड़ाई। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है रति, तेरा पति कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होगा। ठीक है महाराज, आशा तो बंधी पत्नी को। और इधर शंबरासुर नाम का एक राक्षस है, इसने भगवान शंकर की बड़ी दिव्य भारी तपस्या करी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, वर मांगो। तो इसने वरदान में जानते हो क्या मांगा? बोले जो कामदेव की पत्नी रति है ना, मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हो जाए। एक तरफ तो उसको आशा दिए हैं भगवान शंकर रति को कि तेरा पति कृष्ण के प्रथम रूप के, प्रथम पुत्र के रूप में प्रकट होगा, और इधर शंबरासुर नाम के राक्षस को भी वरदान देते हुए कह दिया तथा अस्तु। रति दौड़ती हुई गई, बोले बाबा आपने ही तो कहा है कृष्ण के पहले पुत्र के रूप में मेरे पति प्रकट होंगे, और आपने ऐसा अनर्थ क्यों कर दिया कि शंबरासुर की पत्नी के रूप में मुझे प्रदान कर दिया? भगवान शंकर ने कहा पति के अभाव में एक स्त्री का, वो भी युवान स्त्री का जीवन, इतना लंबा जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है।
इसलिए हे रति, तुम शंबरासुर के महल में उसकी पत्नी के रूप से रहोगी तो सही, लेकिन मैं तुमको एक ऐसा दिव्य मंत्र प्रदान कर रहा हूँ, उस मंत्र का रात दिन जप करना। उस मंत्र के प्रभाव से शंबरासुर कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कोई अंग संग नहीं होगा, और जिससे कि तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म नष्ट नहीं होगा और तुमको एक महल, एक छत भी मिल जाएगी। तो शंबरासुर की पत्नी के रूप में पहुंची और शंबरासुर ने उसको रसोई का काम भार सौंप दिया। इधर शंबरासुर को जब पता चला कि कृष्ण की पहली संतान से मेरी मृत्यु है, तो प्रद्युम्न जी महाराज को प्रसूति गृह से इस शंबरासुर ने चुरा लिया। अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे, चुराकर आकाश मार्ग से लेकर जा रहा था। सोचने लगा, अपने हाथ से क्यों मारूं, समुद्र में डाल देता हूं, स्वयं ही मर जाएगा, कोई मछली इसको अपना निवाला बना लेगी। विशाल पर्वताकार एक मछली ने प्रद्युम्न जी को साबुत ही निगल लिया। मछुआरे के जाल में वो मछली आई, बाजार में जब बेचने के लिए बैठे तो उस मछली का कोई खरीददार नहीं था, तो उस मछली को फिर राजा के यहाँ छोड़ दिया गया। पहले का ऐसा नियम था कि जो चीज बिक नहीं रही है फिर उसको राजा के यहाँ छोड़ दिया जाता था, और ये राजा का दायित्व बनता था, क्योंकि जिसने भी वो चीज़ को संग्रहित किया है उसमें उसकी मेहनत लगी है, श्रम लगा है, उसका अधिकार बनता है कि उससे 2-4 रुपये आ जाएं। लेकिन यदि समाज में नहीं बिकती तो राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा के प्रति उसके परिश्रम का पारितोष उसको प्रदान करना। जैसे कि आज किसान गेहूं धान आदि बोता है, हमने खुद अपनी आँखों से देखा है, बरेली हरियाणा की साइड में जब हमने कथा करी, धान के समय में किसानों ने धान काटे, खेत में 500-500 बोरे इकट्ठे किए हुए हैं। अब सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि उनके बोरे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, गोदाम में पहुंच जाएं और उनको यथा उसका जो मूल्य है उसको प्रदान करें। अब बेचारा किसान रोज दलालों के चक्कर काट रहा है, दलाल कहते हैं इतने में बोरा देना है तो दो, नहीं तो हम नहीं लेंगे। बेचारा किसान देख रहा है कि बादल लगे हैं, कहीं बारिश आ गई तो खेत में मेरे सारे के सारे धान के बोरे अंकुरित हो जाएंगे। अब बेचारा पीड़ित होते हुए वो कम लागत में, जितनी लागत लगी है उससे भी कम रेट में किसान बाध्य हो जाता है और उसको फिर दलालों के हाथ बेच देता है। इसका दोष किसे लगता है? शास्त्र के अनुसार इसका सीधा सीधा दोष उस राजा को लगता है जो वहाँ का मुख्यमंत्री है। क्या हुआ? शायद तो प्रजा की हर समस्या का समाधान करना ये एक राजा का कर्तव्य है। तो यहाँ पर भी जो जब उस मछली का कोई खरीददार नहीं मिला तो फिर राजा के यहाँ पहुँचा दिया गया और राजा ने उसका मूल्य उसको प्रदान किया और वो मछली फिर शंबरासुर की रसोई में आ गई। जब रति के हाथ वो मछली लगी तो उसमें बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। बड़ी सावधानी से पेट काटा तो एक बच्चा निकला। बच्चा निकला तो रो रहा है, बिल्कुल सुरक्षित बच्चा है। तो रति सिर पर हाथ लगा कर सोच रही है, ये बच्चा कौन है, किसका है, कैसे आया? सोच ही रही थी तब तक नारद जी महाराज आ गए। नारायण नारायण, अरे रति यही तो है तेरा पति, चिंता काहे को करती है, समझाया है। और तब बड़ी प्रसन्न हुई है और परीक्षित उस रति ने अपने उस प्रद्युम्न को, अपने पति को इस प्रकार से दिव्य दिव्य औषधियों का पालन सेवन करवाया कि वो बहुत जल्दी पूर्णिमा के चांद की तरह बढ़ने लगा वो बालक और शीघ्र ही युवान हो गया। जब वो युवान हुआ तो एक दिन प्रद्युम्न जी ने कहा कि मैं देख रहा हूँ हे रति, जब तक मैं बच्चा था तब तक तो तुम मेरा लालन पालन एक माँ की तरह करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं युवावस्था को प्राप्त हो रहा हूँ वैसे वैसे तुम्हारे निगाहों में मुझे कुछ चंचलता दिखाई देती है। तब आज रति ने फिर वो रहस्य खोला, बोले चंचलता क्यों ना हो, आप तो हमारे पति हैं। और तब प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबरासुर का उद्धार किया है और द्वारिका में जाकर भगवान के वो पुत्र स्थापित हुए हैं सपत्नीक, प्रेम से कही श्री राधे। और उसके बाद दूसरा विवाह हुआ है जाम्बवती के साथ।
महाराज ये विवाह कैसे हुआ, मैं सुनना चाहता हूँ। अब इस प्रसंगों को जरा मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आप सभी सुनते रहते हैं। सत्राजित नाम का एक राजा है, उसने भगवान सूर्य की उपासना करी तो एक दिव्य मणि प्राप्त हुई जो प्रतिदिन सोना देती है। एक तोले में होता है 10 ग्राम, अब लगा लेना हिसाब, तो इतना सोना प्रतिदिन वो मणि के प्रभाव से प्रकट होता है। एक दिन वो सत्राजित वो मणि को पहनकर भगवान श्री कृष्ण की सुधर्मा सभा में गया, द्वारिका में गया तो भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। ये सुधर्मा सभा के बारे में आपने सुना होगा कई बार कि भगवान श्री कृष्ण के पास कौन सी सभा है, सुधर्मा सभा। ये सुधर्मा सभा क्या है, भगवान जब एक बार इंद्र के पास इंद्रलोक गए थे तो इंद्र ने भगवान को कई प्रकार के उपहार दिए थे, उसमें एक सुधर्मा सभा भी प्रदान की थी। सुधर्मा सभा इस प्रकार की सभा होती है कि उस सभा में जब व्यक्ति बैठकर कोई बैठक आदि करते हैं तो वहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं उनको न तो भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न सुख होगा, न दुख होगा, न परिश्रम होगा, न थकान होगी। इस प्रकार की हमेशा ऊर्जा में रखने वाली उस वो सभा सुधर्मा सभा, उसमें बैठे हुए थे। सत्राजित जब वो मणि पहन कर गया तो सभी उठकर जय हो सूर्यनारायण भगवान की जय हो, सूर्यनारायण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, भगवान ने कहा अरे सूर्यनारायण भगवान नहीं है, ये तो सत्राजित है। बोले सत्राजित है तो फिर इतना चमक क्यों रहा है, तो वो तो सूर्य ने जो मणि दी है ना उस मणि के प्रभाव से इसका मुखमंडल सूर्य की भांति चमक रहा है। अच्छा अच्छा, तो द्वारिकाधीश सत्राजित का सम्मान आदि करते हैं क्योंकि आतिथ्य के रूप में प्रवेश हुआ है। और बात बात में ही भगवान द्वारिकाधीश एक निवेदन सत्राजित से करते हैं कि सत्राजित तुम्हारे पास जो ये सूर्य के द्वारा प्रदत्त मणि है ये प्रतिदिन 160 तोला सोना प्रदान करती है, क्यों ना इस मणि को तुम राजा उग्रसेन को दे दो जो कंस के पिता हैं। क्यों दे दूँ, क्योंकि कंस के अत्याचार से, क्योंकि कंस ने गायों पर अत्याचार किया, कंस ने ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, कंस ने धर्म पर आघात किया। और जब धर्म पर आघात किया जाता है, बिना धर्म के कोई भी राष्ट्र वास्तव में विकास नहीं कर सकता, बिना अध्यात्म के कोई राष्ट्र वास्तव में विकास नहीं कर सकता। तो उस मथुरा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, जो कि देखो अर्थव्यवस्था तो बढ़नी चाहिए थी कि क्योंकि कंस तो डकैती डालता था, लोगों से फिजूल का कर लेता था। तो शास्त्र क्या कहना चाहते हैं कि प्रजा को बिना बात के अधिक प्रताड़ित करना, इससे अर्थव्यवस्था बढ़ती नहीं है, अभी तो प्रजा की बद्दुआ लगती है जिससे कि अर्थव्यवस्था गिरती ही है। प्रजा से कर भी कैसे लेना चाहिए, आप हैरान होंगे। छोटी छोटी बातें शास्त्र में लिखी है, छोटी छोटी बातें, यहां तक लिखा है कि एक राजा को जीएसटी कितनी लेनी चाहिए, जीएसटी आदि लगता है ना कर, किस हिसाब से लेना चाहिए, वो भी शास्त्र में है। गरुड़ पुराण में भी इसकी चर्चा है। गरुड़ पुराण में मैं एक श्लोक पढ़ रहा था, बोले राजा को अपनी प्रजा से कर किस प्रकार से लेना चाहिए, जैसे कि भौंरा फूल से उसका रस निकाल लेता है लेकिन फूल की कोई हानि नहीं करता, फूल का सर्वस्व ले लिया शहद के रूप में, उसकी मिठास ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन फूल का कुछ भी जरा सी भी हानि पहुंचाई फूल को, क्या उसकी कोई पंखुड़ी को तोड़ा उसने, उसका सब कुछ लेने के बाद भी, रस लेने के बाद भी फूल की गुणवत्ता ज्यों की त्यों है। तो बोले एक राजा को प्रजा से किस प्रकार से कर लेना चाहिए कि प्रजा पर किसी भी प्रकार का बोझ ना पड़े। और स्कंद पुराण में मैं दूसरा श्लोक पढ़ रहा था, तो स्कंद पुराण में लिखा था कि बोले प्रजा से कर किस प्रकार से ले, जैसे कि गोपालक जो होता है, गाय पालने वाला, वो बछड़े का हित ध्यान में रखते हुए गाय को दोहन करता है। आजकल कैसे करते हैं वो अलग बात है, लेकिन पहले जब बैल चाहे बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो वो भी हमारे लिए उपयोगी थे, इसलिए हम गाय का जब दोहन करते थे तो किस प्रकार से दिमाग में क्या रहता था, पहले गाय के बछड़े बच्चे का हिस्सा, वो बछिया का हिस्सा, उसको पूरा पुष्ट करने के बाद जो बचता था उसको हम अपने प्रयोग में लेते थे। बोले राजा भी इसी प्रकार से अपनी प्रजा का दोहन करे कि हम बछड़े हैं, हम गाय हैं, हमारा दोहन करे तो हमारा हित ध्यान में रखते हुए दोहन करे,
ये सिद्धांत शास्त्रों में बताए गए हैं। तो जाम्बवती के साथ जो विवाह हुआ, कैसे हुआ, तो उसी विषय में बता रहे हैं। तो भगवान ने जब सत्राजित को कहा कि इस मणि को उग्रसेन को दे दो, तो सत्राजित ने कहा जिसको मणि चाहिए सूर्य भगवान की उपासना करे, मैं ऐसी फोकट में क्यों दूं। भगवान ने कहा मेरा तो अपना मत था भैया, तेरी चीज तेरी इच्छा। और वह सत्राजित चला गया। सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन वो मणि पहनकर वन में शिकार खेलने के लिए गया है। किसी सिंह ने चमचमाती हुई मणि गले में देखी तो उस सत्राजित प्रसेन को मार डाला और वो मणि पंजे में दबाकर लेकर जाने लगा। आगे जाकर सिंह के पंजे में इतनी चमचमाती मणि एक रिच्छ ने देखी तो रिच्छ ने सिंह को मार डाला। वो मणि ले जाकर अपनी गुफा में एक कन्या थी उसको प्रदान करी। और जो ये रिच्छ हैं, ये हैं जामवान जी महाराज, राम अवतार वाले, और इनकी एक सुंदर कन्या है। हमें हो सकता है ऐसा लगे कि रिच्छ की कन्या तो रिच्छ ही होनी चाहिए। जामवान जी महाराज जो हैं ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं और देवता सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो ये इन जामवान जी महाराज की कन्या बहुत सुंदर है, नाम है जाम्बवती। वो उस मणि से खेलने लगी। जब बहुत दिन तक प्रसेन वापस नहीं लौटा तो द्वारिका में कानाफूसी होने लगी। सत्राजित ने अपनी पत्नी को कहा वो कृष्ण मणि मांग रहा था, हो ना हो उसी ने वो मणि चुराई होगी, मेरे भाई को उसी ने मारा होगा, मणि उसी के पास होगी। अरे बचपन का तो चोर ही है, भले ही द्वारिकाधीश बन गया तो क्या हुआ, बचपन की आदत इतनी आसानी से छूटती थोड़ा ही है, पक्का कृष्ण ने चुराई होगी। सत्राजित ने अपनी पत्नी को कहा लेकिन जब तक निश्चित नहीं हो जाता कि कृष्ण ने मणि चुराई, देख किसी को बताना मत ये बात। अब स्त्री को कोई बात बताओ और वो किसी को ना बताए, ऐसा हो सकता है? बोलो राधे राधे। क्योंकि स्त्री जाति को महाभारत की कथा के अनुसार शाप लगा है युधिष्ठिर जी महाराज का। जब पिंडदान कर रहे थे युधिष्ठिर जी महाराज महाभारत के बाद, तो कुंती बुआ ने कहा कि युधिष्ठिर एक पिंड जो है तुम कर्ण के नाम का भी दे दो। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि कर्ण से ना तो हमारा कोई लेना ना देना। तब कुंती ने वो पूर्व का रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा है कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारा बड़ा भाई ही कर्ण था। और अब युधिष्ठिर जी फूट फूट कर रोने लगे हैं। अगर समय रहते तुम इस बात को बता देती तो अपने बड़े भैया के मैं चरण तो छू लेता, एक बार छाती से छाती लगाकर हम अपने बड़े भाई से मिल तो पाते। इसलिए हे माँ, ऐसा रहस्य तुमने इतने वर्षों तक छुपा के रखा, कैसे तुमने इस बात को अपने पेट में दबा लिया? हम अपने भाई के चरण स्पर्श करने के लिए वंचित रह गए। अगर समय पर हमें पता चल जाता तो हम अपने भाई के प्राणों के प्यासे ना बनते। हम तो हमेशा योजना बनाते थे कि इस कर्ण की मृत्यु कैसे हो महाभारत के युद्ध में। माँ, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है और आज मैं पूरी स्त्री जाति को शाप देता हूँ कि कोई भी गुप्त बात रहस्य स्त्री अपने पेट में बहुत अधिक समय तक न रख पाए। तो स्त्री जाति को युधिष्ठिर जी ने शाप दिया। तो इस कारण से ऐसा होता है कि कोई बात यदि स्त्री को बता दो, दो चार दिन तो दबा लेती हैं, लेकिन जब फिर थोड़ी सी मीठी मीठी सी गुदगुदी होने लगती है तो फिर वो दूसरी को भी उगल देती हैं। वो बातें होती है, ऐसी होता है ना, मान रहे हैं। बोलो राधे राधे। अब सत्राजित ने कहा था कि कृष्ण ने मणि चुराई होगी, निश्चित नहीं है, इसलिए भाग्यवती किसी को बताना मत। अब दो तीन दिन तो पत्नी ने बात को दबा लिया, लेकिन दो तीन दिन में जब इसको तबत से थोड़ी इसकी खराब होने लगी तो फिर ये परेशान हुई। तो फिर इसने कमला को बुलाया, कमला को बता दिया। और स्त्रियों का तरीका भी बड़ा गजब होता है, जब किसी को बात बताती हैं तो सुन, बहुत ज़रूरी बात है, तुझे बता रही हूँ लेकिन देख बड़े विश्वास के साथ बताया है, तू किसी को मत बताना। अब दूसरी सुनने वाली भी क्या कहती है, अरे तूने मुझे ऐसे ही समझ रखा है क्या, मेरी आदत नहीं है इधर से उधर करने की, बता तो सही क्या बात है। अब बस इसने उसको बताया, अब बिमला, कमला ने बिमला को बताया। अब बिमला ने भी सोचा कि उसके घर की बात है, भैया बहुत गहरी बात है, क्यों बताऊँ मैं किसी को। एक दिन दबा के रखा पेट में, दो दिन, अब तीसरे दिन जब पेट में मरोड़े से उठने लगे, अब फिर भैया अपना इलाज तो करा नहीं है, अब इलाज कोई डॉक्टर थोड़े ही करेगा, इलाज तो वही है दूसरे को बोल दे इलाज हो गया। अब इसने दूसरी को बताया। तो इस प्रकार से परीक्षित, करणे करणे जपन जनाहा,
उस दो कान से चार कान, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौंसठ, इस प्रकार से पूरी द्वारिका में कानाफूसी होने लगी। अवश्य ही कृष्ण ने मणि के लोभ से उस प्रसेन को मार डाला। अब घूमकर द्वारिकाधीश एक दिन अपना आवश्यक कार्य कर रहे थे और एक अनुचर दौड़ता हुआ है, साहब, हे प्रभु महाराज, पूरी द्वारिका